थाना क्षेत्र के ग्राम कुरुभाट गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ डोंगरगढ़ थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत कर दी और पुलिस जांच में जुट गई है। दरअसल डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के कुरुभाट गांव में गांव के ही संतोष साहू और करण वर्मा को सरकारी जमीन का आवंटन किया गया था, लेकिन करण वर्मा अपनी जमीन से ज्यादा जमीन पर निर्माण करवा रहा था, जिसका संतोष साहू ने विरोध किया। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। टीआई डोंगरगढ़ का कहना है कि गांव में करण वर्मा और संतोष साहू को सरकारी जमीन का आवंटन हुआ है, जहां पर करण वर्मा के द्वारा आवंटित जमीन में निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन संतोष साहू का आरोप है कि करण वर्मा आवंटित भूमि से ज्यादा हिस्से में निर्माण करवा रहा है, जिसकी शिकायत तहसील ऑफिस में कराई गई थी और तहसीलदार ने स्टे ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद पटवारी की टीम ने निर्माण को रुकवा दिया था, जिसके बाद इसी बात को लेकर बीते शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था। करण वर्मा ने बीती रात को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसी जमीन पर झोपड़ी नुमा होटल को संतोष साहू ने जला दिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन आज सुबह उसी बात को लेकर संतोष साहू ने गांव वालों के साथ थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत की। करण वर्मा और उनके परिवार ने गाली गलौज कर मारपीट भी की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में एक गांव है कुरुभाट। कुरुभाट में एक करण वर्मा और संतोष साहू दो परिवार अलग अलग रहते हैं। इनके बीच में एक सरकारी जमीन है जो अलॉटेड है एक दूसरे को। सरपंच और सरपंच पति का कहना है कि करण जो है वो अपनी अलॉटेड भूमि से ज़्यादा पर कोई कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे इन लोगों ने तहसील कार्यालय में निर्माण रोकने के लिए स्टे ऑर्डर दिया था। वहाँ से स्टे ऑर्डर हो गया, तहसीलदार साहब ने स्टे ऑर्डर करा दिया। कल पटवारी और उनकी टीम आई थी और उस कंस्ट्रक्शन को रोका गया था। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। करण वर्मा जो है उसने कल रात में एक अपराध पंजीबद्ध कराया कि उस जमीन पर उसकी एक होटल झोपड़ी नुमा होटल बनी थी, जिसे संतोष साहू अगर लोगों ने जला दिया है करके, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया। और उसी बात को लेकर आज सुबह फिर संतोष साहू ने भी एक अपराध दर्ज कराया कि करण और उसके परिवार के लोग उसके साथ में वाद विवाद किए, मारपीट किए हैं। दोनों में काउंटर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना अभी जारी है।